दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि बाहर का खाना आखिर किसे पसंद नहीं होता। आज ज्यादातर लोग बाहर का खाना पीना ही पसंद करते हैं, फिर चाहे वो बाहर का केक हो, कैंडी हो, या पिज्जा हो, या फिर कोई आइसक्रीम। ये सभी चीजें आजकल ज्यादा मात्रा में खाई जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इन फूड्स को किन मशीनों द्वारा बनाया जाता है? अगर नहीं जानते तो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसी मशीनें जो हमारा मनपसंद खाना बनाती हैं, और इन्हें देखना काफी दिलचस्प भी होता है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सुनो, अक्सर कई देशों में लोग पहले से ही उबले हुए अंडे दुकानों से खरीदना पसंद करते हैं, ताकि उन्हें अंडे घर लाकर उबालने का झंझट ना लेना पड़े। तो ऐसे में लोगों की इस भारी मांग को पूरा करने का काम करती है ये विशाल मशीन। ये मशीन धीरे धीरे चलते हुए अंडों को एक विशाल गर्म पानी के कंटेनर में डाल देती है, जहां अंडे उबलते हैं, और एक निश्चित समय के बाद अंडों को वहां से बाहर निकाल लिया जाता है और आगे इन्हें साधारण पानी में डाल दिया जाता है। इसके बाद इन अंडों को लाइन में एक के पीछे एक लगा दिया जाता है, जहां से ये मशीन इन्हें आगे की तरफ धकेलती जाती है। और यहां आता है इस मशीन का सबसे मुख्य भाग, जहां अंडों के ऊपर के छिलके को हटाया जाता है। इस मशीन इस काम को इतनी रफ्तार और सफाई के साथ करती है कि एक भी अंडे को नुकसान पहुंचाए बिना अंडे छिलके रहित पूरे साबुत बाहर निकाल लिए जाते हैं, और मशीन के एक तरफ से छिलकों को भी बाहर निकाला जाता है। ग्रैंड फूड्स कॉरपोरेशन। दोस्तों, दरअसल इस फैक्ट्री में इस विशाल मशीन के माध्यम से क्रोसेट नाम की ब्रेड को तैयार किया जा रहा है। आटे को मशीन में अच्छे से गूंथने के बाद उसे एक लंबी कन्वेयर बेल्ट पर बिछा दिया जाता है। साथ ही साथ इस आटे को त्रिकोण आकार में काटकर तीन अलग अलग पंक्तियों में तैयार कर लिया जाता है, और जब त्रिकोण आटे के टुकड़े आगे पहुंचते हैं तो इन्हें मशीन लपेट के एक विशेष आकार प्रदान कर देती है, जिन्हें एक सांचे में डालकर आगे सिकने के लिए ओवन में डाल दिया जाता है, जिससे निकलने के बाद ये ब्रेड सुनहरे नजर आते हैं, जिन्हें बाद में मशीन के अंतिम भाग में पहुंचा दिया जाता है, जहां इन्हें पैकेट में पैक करके बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। फ्रटेली इन डेउकाटो। दोस्तों, अक्सर एक अनानास का जूस निकालना हो तो घर पर संभव है जूसर के माध्यम से, लेकिन वहीं अगर अनेकों अनानास का जूस निकालना हो तो उन्हें इस प्रकार के विशाल मशीन के माध्यम से फैक्ट्रियों में निकाला जाता है। और यहां सबसे पहले अनानास को अच्छे से पानी से साफ कर लिया जाता है। उसके बाद जब इन्हें आगे भेजा जाता है तो मशीन बारीक पत्तों को छाट के उन्हें अच्छे से साफ कर देती है, और उसके बाद बारी आती है इस मशीन के मुख्य भाग की, जहां मशीन में लगे शक्तिशाली ढांचे उन्हें अच्छे से पीस देते हैं, जिससे भरपूर मात्रा में अनानास का जूस निकलने लगता है, जिसे एक बड़े बर्तन में इकट्ठा किया जाता है। साथ के साथ अनानास का जूस निकालने के बाद फल का जो बुरादा बचता है उसे मशीन के एक तरफ इकट्ठा कर लिया जाता है। यही नहीं, इस मशीन से निकला जूस अच्छे से छन कर आता है, जिसके कारण इस जूस को दोबारा छानने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसके साथ साथ मशीन छोटे मोटे बड़े छिलकों को दोबारा मशीन में डालकर उन्हें क्रश करके बचा खुचा जूस भी निकाल लेती है। बेकन केक डेकोरेटर। दोस्तों, अक्सर केक बहुत लंबा समय लेने वाला काम होता है, साथ ही साथ केक बनाते वक्त एक आकृता की भी जरूरत पड़ती है, ताकि केक का आकार एकदम सटीक बने। उसी सटीकता और कम समय में ये मशीन केक बनाने के काम को बड़ी सरलता से करने में सक्षम है। ये मशीन केक की लेयरिंग के दौरान उसमें एक बराबर मात्रा में क्रीम लगाने का काम करती है। हालांकि इसमें एक शख्स की जरूरत पड़ती है ब्रेड के लेयर को रखने के लिए, लेकिन इसकी क्रीम लगाने की कार्यशैली इतनी लाजवाब है कि ये मशीन गोल टुकड़ों के हिसाब से ही क्रीम लगाती है, और वो भी एक बराबर मात्रा में, जो कि इस मशीन में पहले से ही निर्धारित की गई होती है। यही नहीं, जब केक बनाने के लिए लेयरिंग का काम पूरा हो जाता है तो ये पूरे केक के बाहरी आवरण पर लगने वाली क्रीम को भी बड़ी फिनिशिंग के साथ इस पर लगा देती है, और साथ ही इस मशीन के अन्य भाग के द्वारा केक के ऊपर वाले हिस्से पर सुंदर डिजाइन को भी इस मशीन के द्वारा उभारा जा सकता है। और अंत में इसकी बनावट और फिनिशिंग की बात की जाए तो ये केक बड़ा ही सुंदर और एक समान आकार का नजर आता है। बेकिन यूएसए चोको टीटे। ये मशीन दरअसल चॉकलेट क्रिस्टल से चॉकलेट को वो रूप प्रदान करने का काम करती है जिस चॉकलेट को हम बाजार से खरीदते हैं। चॉकलेट को चमकीला और निखरा हुआ रूप देने के लिए उसे इस प्रकार की मशीन के माध्यम से चॉकलेट टेम्परिंग नाम की प्रक्रिया को किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए चोको क्रिस्टल को इस मशीन के अंदर डालने के बाद ही ये मशीन गर्म होने लगती है, जिससे ये चोको क्रिस्टल पिघलने लगते हैं और हल्का हल्का तरल होना चालू कर देते हैं। इस मशीन के साथ ही लगा चक्रनुमा गोला घूमता रहता है, जिससे चॉकलेट को निरंतर फेंटा जाता है, और ये फेंटना काफी आवश्यक होता है चॉकलेट को चमकदार और निखरा हुआ रूप देने के लिए। जब इस चॉकलेट को अच्छे से फेंट लिया जाता है तो उसके बाद इन्हें अलग अलग सांचों में भर लिया जाता है,
और यही नहीं, आप मन मुताबिक चॉकलेट को किसी भी आकार का रूप दे सकते हैं, और वो भी अलग अलग सांचे के हिसाब से, जो कि चॉकलेट टेम्परिंग की प्रक्रिया के दौरान ही संभव होती है। और जब इस मशीन का इस्तेमाल कर लिया जाता है तो इस टूल को खोलकर रखना भी काफी आसान हो जाता है। गिल्स ऑनियंस। दोस्तों, विश्व में कई ऐसे देश हैं जहां लोगों के लिए प्याज काटना बड़ा ही आफत भरा काम होता है, तो ऐसे में वो लोग कटा कटाया प्याज सीधे बाजार से ही खरीदना पसंद करते हैं। खेतों से प्याज को सीधा इस फैक्ट्री में लाने के बाद कारीगर के द्वारा छांट कर उन्हें अलग अलग कर दिया जाता है, जिसके बाद मशीन उन प्याज के सिरों को काट कर उन्हें जड़ से मुक्त कर देती है, और उसके बाद मशीन में लगी एक विशेष रॉड के कारण इन प्याज के ऊपर से छिलका उतरता जाता है। और अगर किन्हीं प्याजों से छिलका नहीं उतरता है तो कारीगर जांच करके बचे छिलके को उतार लेते हैं, जिसके बाद ये प्याज पहुंचते हैं मुख्य मशीन के पास, जहां एक कारीगर इन प्याजों को उनके आकार के अनुसार अलग अलग मशीनों के सांचे में डालता जाता है, जहां ये मशीन उन प्याज को बारीक स्लाइड्स में काटती जाती है, जिन्हें छोटे छोटे बॉक्स में पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। यही नहीं, सिर्फ सलाद के लिए मशीन प्याज नहीं काटती, बल्कि तड़के के लिए बारीक कटे प्याज को भी इस फैक्ट्री में अन्य मशीन के माध्यम से तैयार किया जाता है और पैकेट्स में पैक करके बाजार में बेचा जाता है। कैटा 27। अक्सर आपने कभी न कभी कोन वाली आइसक्रीम जरूर खाई होगी, जो कि खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है। यहाँ इस मशीन में सभी कोन्स को एक कतार में लगाकर रखा गया होता है, और इन मशीन के ऊपर लगे नॉब्स इन कोन्स में एक बराबर मात्रा में आइसक्रीम को भरते जाते हैं। इन कोन्स का आवरण काफी नाजुक होता है। ये मशीन बड़ी नजाकत से आइसक्रीम भरे इन कोन्स को उठाकर कन्वेयर बेल्ट पर रखती जाती है। यही नहीं, ये आइसक्रीम पिघल के इधर उधर न फैले, इसलिए इन आइसक्रीम्स को उल्टा करके निरीक्षण किया जाता है, ताकि कोई भी कमी किसी भी आइसक्रीम में न रहे, और उसके बाद उन्हें अंत में एक एक करके अलग अलग पैकेट्स में पैक कर दिया जाता है बाजार में बेचने के लिए। मैजिक पिज्जा। दोस्तों, पिज्जा कई लोग बहुत पसंद करते हैं, और काफी देशों में लोग स्नैक्स नहीं बल्कि सामान्य भोजन के रूप में ही पिज्जा खाना पसंद करते हैं। और यहाँ इस मशीन में आटे का गोल तैयार कर लेने के बाद ये मशीन उसे बड़े ही शानदार तरीके से फैलाकर गोल आकार देने का काम करती है। इसके बाद कारीगर इन्हें उठाकर कन्वेयर बेल्ट पर आकार के हिसाब से रख देते हैं। इसके बाद इस मशीन का अगला भाग आता है, जहां मशीन लाल सॉस को इस पर डालती है और उसके आगे लगे सांचे उसे एक बराबर मात्रा में इस पर फैला देते हैं। इसके बाद कारीगर अलग अलग प्रकार के टॉपिंग्स को इसके ऊपर बिछाते जाते हैं, जिन्हें बाद में पैक करके बिकने के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोडक्शन देश है, और अमूल कंपनी रोजाना लगभग 36 लाख फार्मर्स से 2 करोड़ लीटर दूध खरीदकर उससे मक्खन बनाती है, और मक्खन बनाने के बाद बारी आती है इसे पैक करने की। इसके लिए इस्तेमाल करते हैं एक फुली ऑटोमेटिक मशीन सिस्टम, जो सेम टाइम पर अलग अलग वजन, डिजाइन और पैकेट में मक्खन भरती जाती है, और कंप्यूटर की मदद से इसमें मक्खन का वजन सेट किया जाता है, और आखिर में इन्हें बॉक्सेस और पैकेट्स में पैक करके सील कर दिया जाता है और मार्केट में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। ESO रोटी मेकर। दोस्तों, ये रोटी मेकर फुली ऑटोमेटिक है, जो कि बिजली पर चलती है, और ये आटा भी गूंथ सकती है, और गुथे हुए आटे से हर एक रोटी के लिए उसे गोलाकार काट भी सकती है। इस गोल कटे आटे को ज्यादा व्यास वाले रोलर से होकर गुजरना पड़ता है, जहां पर आटे पे खुश्की लगती है और उनका साइज भी थोड़ा बड़ा होता है, और इसके बाद उन सभी गोलों को उस सेक्शन से जाना पड़ता है जहां पर इनका आकार गोल से समतल या रोटी जैसा बन जाए, और इस ऑटोमेटिक तरीके से बेली गई रोटियों को कन्वेयर बेल्ट बड़े और हाई पावर ओवन के अंदर पहुंचाती है, जिसके बाद ये अच्छी तरह से पक भी जाती है। बॉक्स कैंडी मेकर। दोस्तों, बच्चों की मनपसंदीदा खाने की चीजों में से एक होती है कैंडी, और इसे बनाने के लिए सबसे पहले शुगर सीरम को गर्म करके उसमें फ्लेवर मिक्स किया जाता है, और इसके बाद हुक में लटकाकर इसे खींचना शुरू किया जाता है, ताकि सारे एयर बबल खत्म हो जाएं, और इसी मटेरियल से बने कई लेयर्स की मदद से एक फॉक्स का डिजाइन तैयार किया जाता है। और ठीक इसी तरह छोटे और पतले कैंडी रोल्स भी बनाए जाते हैं, जिन्हें काटकर बाद में छोटे कैंडी का रूप दे दिया जाता है। फैट बॉय आइसक्रीम। दोस्तों, आइसक्रीम बनाने का काम आसान नहीं है, और ये मुश्किल तब और ज्यादा हो जाती है जब कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करनी हो। यहाँ आप देख सकते हैं कि आइसक्रीम मेकिंग प्रोसेसिंग कैसे होती है। फ्रीजर से जमी हुई क्रीम स्क्वायर शेप में करते हुए असेंबली लाइन पर आकर अपनी जगह ले लेती है, और फिर आगे जाकर आइसक्रीम के टॉप और बॉटम पर चॉकलेट बिस्किट्स लगाए जाते हैं।
और ये असेंबली लाइन मशीन एक घंटे में कम से कम 5000 फैट बॉय आइसक्रीम रेडी कर सकती है, फिर जिन्हें लास्ट में पैक करके मार्केट में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी मशीन आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी और भी इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।